फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ ले लिया है मैदा। मैदा में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, और इसमें डाल देंगे 3 चम्मच तेल, और इसे मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए हमने इसे मिला लिया है और ये बिल्कुल इस तरीके से मुट्ठी पे लेने में बंध रहा है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, ना बहुत ज़्यादा लूज, बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं रोटी वगैरह उसी तरीके से। तो देखिए हमारा डो तैयार हो चुका, अब इसे रख देते हैं हम साइड में। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल हल्का सा, हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, इसमें हम डालेंगे बिल्कुल इतना सा डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, बिल्कुल हम इसमें 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से। हम इसे इस तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है अब तैयार हो चुका है फिलिंग। अब इसे हम रखते हैं साइड में और तैयारी कर लेते हैं अपनी आलू की सब्जी बनाने की। हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच तेल। इसमें डालेंगे मेथी दाना, थोड़ा थोड़ा जीरा, थोड़ा सौंफ, इसमें डाल देंगे 2 मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक। देखिए अब ये मसाले सारे तड़कने लग गए हैं। अब इसी में डाल देंगे हम धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन मसालों को हम थोड़ा भून लेते हैं। मसाले भून गए, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। अब इसमें हम डाल देंगे अपने उबले हुए आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है। हमने आलू डालकर इसमें मिला लिया है। अब हम अपनी सब्जी को खट्टा करने के लिए इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक। तो देखिए सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च, इसे मिला लेते हैं। लग रही है ना बिल्कुल जैसे साइकिल वाले भैया लेकर आते हैं सब्जी, तब सब्जी रेडी है। अब चलिए अपनी कचौड़ी बना लेते हैं। तो देखिए तब तक हमारा डो भी सेट हो चुका है। अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोइयां काट लेते हैं। बस इसी साइज की हम अपनी सारी लोइयां काट कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे बेल लेते हैं। भी हम इसे छोटा सा ही बेलेंगे, बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे। इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। इस तरीके से हमने इसे बेल लिया। अब इसमें हमने जो फिलिंग तैयार की थी बिल्कुल ज़रा सा हमें इसमें भरना है, बस इसमें टेस्ट आना चाहिए थोड़ा सा, बस इतना ही भरना है। क्योंकि इसको भरने के बाद हमारा जो कचौड़ी बनेगा इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। अगर हम इसमें फिलिंग ज़्यादा भर देंगे तो ये फट जाएगी, इसलिए हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा फिलिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। पहले हम अपनी कचौड़ियों को बेल लेते हैं, इस पे रखेंगे और इस तरीके से। देखिए हमने इसे इतना पतला जो है बेला है। अब एक फोक की मदद से हम साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा होल कर देंगे ताकि ये फूले ना। इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका, इसमें हम अपनी कचौड़ियों को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। इसे हम बिल्कुल कम आंच पर पकाएंगे और इसे हम उलटते पुलटते बस अधकचा सा जब ये हो जाए तो इसे निकाल लेना है, फिर इसे हम दोबारा से पकाएंगे। देखिए अभी ये आधी कच्ची सी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं।
अब हम अपनी कचौड़ियों को दोबारा से डालेंगे कढ़ाई में और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल क्रिस्पी बन चुकी हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से अपनी सारी कचौड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ले लिया इमली का पानी और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, इसे मिला लेंगे। तो देखिए हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी बनी हुई है, आप देख रहे हैं। तो चलिए फिर अपनी हम प्लेट लगाना शुरू करते हैं खस्ता कचौड़ी और सब्जी की, तोड़कर डालेंगे हम इसमें। अब उसके ऊपर हम डालेंगे अपनी गर्मा गर्म सब्जी, इसी तरीके की होती है ना सब्जी जो हमारे साइकिल वाले भैया लाते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना हींग का पानी, जो हींग और इमली मिलाकर मैंने बनाया था, चम्मच ये डाल देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे हरी चटनी और बारीक कटा हुआ प्याज। इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। तो देखिए खाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है हमारी खस्ता कचौड़ी। मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बिल्कुल टेस्टी, बिल्कुल साइकिल वाले भैया की तरह बनकर ये तैयार हुआ है हमारी खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। तो इसी तरीके से आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।